ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के एप्लीकेशन लेवल की बात अभी हम करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेवल क्या होता है इसको देखते हैं। एप्लीकेशन लेवल रेफर करता है जो अप्लाइंग गेन नॉलेज टू एक्चुअल सिचुएशन, मीनिंग आपने एक चीज़ का फेमिलियरिटी है नॉलेज लेवल, देन यू अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंशन लेवल, और अभी उस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे आप क्या करने जा रहे हैं, आप उसको अप्लाई करने जा रहे हैं उस नॉलेज को उस अंडरस्टैंडिंग को, ये आपका एप्लीकेशन लेवल होता है। इस वाली फिगर को देखें, आपके बाहर हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है जी, ये आपका एप्लीकेशन लेवल है यानी यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस। और इसमें अब आप इसको नोट करें, आपके पास नॉलेज लेवल भी है, आपके पास कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी है, और इन दोनों के बाद आप अगले स्टेप पे चले गए हैं। अभी आपके पास ये ऊपर वाले स्टेप नहीं आए हैं, लेकिन नीचे वाले दोनों स्टेप्स आपके पास हैं और आप एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हैं, क्योंकि जो आपने नॉलेज यहाँ से गेन किया था रिकॉलिंग में, आपको फेमिलियरिटी थी, जो आपने अंडरस्टैंड किया था उसको आप करके यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इस वाले के ऊपर आप आके उन सारी को आप अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर आपका ये एप्लीकेशन लेवल क्या होता है, एप्लीकेशन लेवल आपका है जब आपके पास जो भी अंडरस्टैंडिंग थी उसको आपने अप्लाई किया है, आपने उसके, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल इसकी अगर आप चाहें, जो आपकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप क्या कर रहे होते हैं, आपको एक फॉर्मूले का पता है, ये वाला फॉर्मूले की आपको अंडरस्टैंडिंग है, और उसको आप अप्लाई करते हुए सर्टेन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे होते हैं, सर्टेन ब्रैकेट्स को खोल रहे होते हैं, तो उस सब क्या होता है जी कि आप अपना वो नॉलेज अप्लाई कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स जो है वो एप्लीकेशन लेवल की एक टिपिकल एग्जाम्पल है। वैसे तो देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स विच वी विल कीप डिस्कसिंग, लेकिन एक जो बिल्कुल आप एग्जैक्ट अगर आप चाहें तो मैं आपको मैथमेटिक्स की एग्जाम्पल दूंगी, बिकॉज आपने वो पढ़े होते हैं। आप देखें ना, आपकी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर होता है उसकी क्या फॉर्मेट, क्या उसकी होती है स्टाइल, आपके कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं वो आप सॉल्व करते हुए अंडरस्टैंड करते हुए आगे जाते हैं, और फिर एंड पे वो लिस्ट दी होती है उसकी सम्स की और प्रॉब्लम्स की, जो जो आपने फॉर्मूले उस पर अप्लाई हो सकते हैं वो करके, या आपने इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी होती हैं, आपने डिविजन्स पे जाना होता है, वो जो आपके ए प्लस और बी प्लस और एक्स स्क्वेयर्स और वाई स्क्वेयर्स होते हैं उसका नॉलेज आपको वो है सबका, और उसको आप अप्लाई करते हैं सर्टन प्रॉब्लम्स के ऊपर, सर्टन मैथमेटिकल इश्यूज के ऊपर, तो वो एप्लीकेशन आप कर रहे होते हैं। ये उसकी एक टिपिकल एग्जांपल है, आपके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपने जो अप्लाई किया, आप एप्लीकेशन लेवल पे गए, वो आपकी जो है ना, ये दिस इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, जहां आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्चुअली अप्लाई करना है। और पीछे हमने जब प्रोजेक्ट्स की भी बात कर रहे थे तो हमने ये बात की थी ना कि नॉलेज को आप अप्लाई कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स पे, उस वक्त ये बात मैंने पॉइंट आउट की थी कि अभी जब हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे बात करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। सो आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो आपका एप्लीकेशन लेवल होता है, क्योंकि आपने जो भी अपने सेमेस्टर में पढ़ा, जो भी आपने क्लासरूम में पढ़ा, उस नॉलेज के ऊपर आप एक्चुअल सिचुएशन में जाके उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। कोई भी जो आपने मसलन प्रोजेक्ट करना है उसकी, जो भी कि ये इंटरव्यू करने हैं, ये आपने रिपोर्टें बनानी हैं, इसके ऊपर ये असाइनमेंट बनानी है, वो आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे होते हैं। सो आपके प्रोजेक्ट्स भी एप्लीकेशन लेवल पे की असाइनमेंट्स होती हैं, और वो सारा वहाँ भी आप एप्लीकेशन लेवल पे होते हैं।